लाइनों में क्या बताया कभी ने क्या हर एक दिन ऐसा के परीक्षा करवे लगे इंटरव्यू लेवे लगे कि कौन कितने बालाधारी है कितने ताकतवर, तो वामे घूम तो फिर तो करण हुआ गो साहब, और जब करण देखो तो अर्जुन भीम वगैरह ये कछु अलग ही सोच में लग गए, बोले ये करण इधर सूद पुत्र और ये दरबार तो क्षत्रियन को है वीरन को है,
ये शूद्र जातिर को दरबार थोड़ी लेके हुआ, यहाँ आयो कैसे आ गए, मत कैसे भर गए। राधे कछु शब्द दुर्योधन की मदद तेवा करण ने बोले तो सुन के नहीं, और अर्जुन क्या बोले, ए करण सुन क्या बोले भैया। हाँ अरे सुने करण, कभी तो कहते हैं कभी करण की तरफ भागते हैं, कभी मैंने ये भी सुना है कि तुम रावण बन जाओ मैं हनुमान बन गई, ये जमालपुर बालों की तरफ बोल रहा हूं मैं। अरे भैया दंगल को समापन है, तू हनुमान बन चाहे अंगद बनियो, मैं चैलेंज दे रहा हूं मैं रावण होऊंगा, आगामी दंगल में कहीं भी मिलेंगे वहां, और बंदर बना के रखूंगा तो है, और मैं मदारी बन के तो नचाता रहूंगा, मेरी मर्जी थे, ध्यान रखियो तू हनुमान बन जाइयो चाहे तू अंगद बन जाइयो, राम बनियो चाहे लक्ष्मण कुछ ही बन जाइयो, तू आगामी अगले आने वाले दंगल में कहीं भी क्या होता है सुनो। हरे आए हो यहाँ
लगे मेरा श्राप बच के जाएगा कहाँ, सजना लगे मेरा श्राप बच के जाएगा कहाँ। ये जो और जंगल में निकल जाते घूमने के लिए, घूमते फिरते और जंगल में सप्तऋषि मिल जाते हैं, और मिलते ही जवान अवस्था थी, अपनी जवानी के में मद मोह बेहोश थे, तो उन साधुओं को देख करके और वो उनसे पूछते हैं, तो अपने इस वस्त्र में इस तरीके से कोई वस्त्र लगा के या कोई भी पात्र लगा कर वो पूछने लगे कि ए साधुओं परीक्षा ले रहे, बोले इसमें क्या होगा। साधुओं ने देखा कि ये तो बड़ी मजाक भरी बात कर रहे हैं, सज्जनों अपमान समझ करके वो साधु किस प्रकार से क्या कहने लगे, श्राप देने लगे, क्या होगा। बोलिए भैया क्या कह रहे हैं भैया।
चौधरी हमारी पार्टी को नामदा फरमाते हैं और 201 रुपया शहीद परिवार भाई राहुल सिंह जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना प्राप्त। हेलो, और ये 101 रुपये जोगिंदर और मरखान हमारी पार्टी को नामदा फरमाते हैं। और 51 रुपये राजवीर सिंह और 51 रुपया इस गर्व से क्या पैदा होगा, तो साधुओं ने अपमान समझ करके वो श्राप दे लगे ए यदवंशियों, इस गर्व से एक मूसल पैदा होगा और उसी मूसल के द्वारा तुम्हारा सर्वनाश होगा, ये हम आपको श्राप देते हैं। सज्जनों इस बात को लेकर के यदवंशी कहा अपने राज दरबार में आ जाते हैं, क्या बता भैया क्या करें। हाशो 50 रुपया लहर सिंह जी हमारी पार्टी को नाम दा फरमाते हैं, 100 रुपया बेदी इसरोती, 100 रुपया भोलू इसरोती और 51 रुपया हीरा मुढ़ेरा हमारी पार्टी को नाम दा फरमाते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब। हो यादव सत आशीर्वाद की कामना करते हैं। श्राप को लेकर के यादवंशी और अपने दरबार में आ गए महाराज, और गुरु से कह लगे महाराज हम जंगल को निकल गए और साधुओं से हमारी मुलाकात हो गई, वह हमारे साथ में ऐसा माहौल हुआ श्राप दे डाला हमारा नाश करने का। सज्जनों उग्रसेन के लिए कि नाश तो होगा लेकिन अगर बच सको तो इस मूसल को घिस घिस करके गंगा जी में बहा दो। सज्जनों वही किया, मूसल को घिस के पाउडर बना के गंगा जी में बहा दिया, लेकिन फिर भी एक कील रह गई, उसको भी वही फेंक दिया, उस कील को एक मछली निकल गई, उस मछली को एक भील पकड़ ले गया जिसके द्वारा भगवान कृष्ण मारे गए। इधर पाउडर एक पटेरे के रूप में पैदा हुआ जिससे सारा यादव कुल उसी किनारे गंगा के एक बात मर के मर गए। क्या होता है